नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। पूरे देश में दीपावली की धूम दिखाई दे रही है, पहाड़ों में भी दीपावली की रौनक दिखाई दे रही है। बाजारों में लोगों के आने से रौनक बढ़ गई है। रंग रंगोली, सजावटी सामान, बल्ब की खरीदारी के लिए लोगों के चहल पहल है। कुम्हार परिवार मिट्टी के दिए व मूर्ति को अंतिम रूप देने के साथ धनतेरस पर लोगों ने इसकी खरीदारी की। लॉकडाउन के बाद त्योहार में सामानों की मांग बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। त्योहारों पर लोगों ने क्या खास खरीदारी की, मार्केट में कितने सामान की बिक्री हुई, इन सभी चीजों का थराली में हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनित्रा ने जायजा लिया है। खरीदारी कर रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप धनतेरस और दीपावली के साथ? देखिए, ये जो हमारा त्यौहार है दीपावली, ये बुराई पर है उसको प्रतिबिंबित करता है, और ये हमारा समाज इसको उत्सव के बतौर मनाता है कि जो बुरे लोग होते हैं उन पर अच्छाई की जीत हमेशा होती रहती है। और लॉकडाउन के बाद पहली बार शायद से ये त्यौहार हमारे बीच में, भारतवर्ष में कोई त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, और दिवाली की जो धूम है पूरे भारतवर्ष में और वो इसी तरह की हमेशा रही है। हालांकि इस वर्ष उसमें कुछ कमियां, थोड़ा रुक कर रुकावटें हैं, लेकिन भारत के लोग इस उत्सव को तमाम सुरक्षाओं के साथ, तमाम जितने कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसके साथ मनाते हुए फिर से यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूर जो ये बुराई का समय है और जो ये बुरा समय है जिसमें लोगों के ऊपर बहुत कष्ट है, उसमें ज़रूर लोगों की जीत हो। क्या आपको ये लगता है कि जो लॉकडाउन के कारण बाजार बैठ गए थे, व्यापारी लोग जो बड़े नुकसान में थे, क्या ये जो अभी करवा चौथ या नवरात्रा जो फेस्टिवल आए हैं, धनतेरस का जो त्यौहार आया है, दीपावली है, तो क्या व्यापारियों के कुछ व्यापार में वृद्धि होने की कुछ आप उम्मीद करते हैं, या व्यापारियों के कुछ जो नुकसान हुआ है लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण कुछ उसमें कुछ वृद्धि होने वाली है व्यापारियों की? देखिए, एक मतलब इसको हमें थोड़ा समझना होगा। इस समय बेसिकली अभी मार्केट के भीतर थोड़ा एक कमी है कि लोगों को भीतर कोरोना के बाद जिस तरह से मार्केट गिरे हैं, लेकिन मार्केट के साथ आज के दिन में जो कंपटीशन सच में खड़ा है वो जो ऑनलाइन मार्केट का है वो ज़्यादा प्रभावी रूप से खड़ा है, क्योंकि जो लोगों की निर्भरता थी वो अब ऑनलाइन मार्केट पर भी है, और ऑनलाइन मार्केट जिस तरह से गांव-गांव पसर रहा है उसमें वेंडर है उसके साथ जरूर उसका कंपटीशन उसके साथ होने के साथ कारण उसमें कमी हो रही है। हालांकि इसमें भी कमी है, लेकिन इस समय तो देखा जा रहा है कि फिर से वही गति। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो धरातली व्यापारी हैं उनपे जो ऑनलाइन की जो प्रतिस्पर्धा है वो भारी बैठ रही है, उस कारण भी वो नुकसान में। लेकिन जो त्यौहारों का सीज़न है, कहीं ना कहीं दुकानदारों के लिए ये फायदेमंद है, और जो स्थानीय व्यापारियों स्थानीय लोगों को जो यहाँ पर जो तीज त्यौहारों की जो सामग्री है उपलब्ध हो रही है बाजारों में, भीड़ से नज़र आ रही है कि लोग काफ़ी प्रसन्नचित हैं। इतने 6-7 महीने का जो लॉकडाउन रहा उससे ऊब गए थे लोग, राज्य जो दिवाली और धनतेरस का त्यौहार आ रहे हैं, बाजार में काफ़ी रौनक नज़र आ रही है और काफ़ी भीड़ भाड़ है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, चाहे धनतेरस की हो, चाहे दिवाली के पटाखों की हो या अन्य खरीदारी हो, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हम आपसे निरंतर लोगों का संवाद करवाएंगे। व्यवसायी हैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो धनतेरस की तैयारी है, जो खरीद ग्राहक आ रहे हैं, आप कैसे महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि ये त्यौहारों का सीजन है तो लगातार जो आपके जो दुकानें घाटे में चल रही थी लॉकडाउन में, आपको क्या लग रहा है? सर, पहले तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भंडारी बर्तन स्टोर नाइनवर्ड की ओर से। जैसा कि देखने में आ रहा है, कोरोना जैसा था सर वैसा तो कुछ नहीं है, अब तो लोग काफ़ी रिकवर कर चुके हैं और बाकी तो ठीक ही चल रहा है, जैसा हमने सोचा था एज एक्सपेक्टेड उससे बढ़िया ही है।
बिल्कुल जैसा आपने सोचा था उससे बढ़िया है, क्योंकि लॉकडाउन में जो लोगों के पास धन की कमी होगी थी उसके उससे ओवर कर रहे थे, जो आज ये खरीदारी कर रहे हैं लोग, आप मेरे पीछे कैसे भीड़ देख सकते हैं बाजार में, तो आप सभी व्यवसायियों पर समस्त क्षेत्रवासियों को प्राइम टीवी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हैं। ज्वेलर्स की दुकान के बाहर खड़ा हूं और मैं उनसे जानना चाह रहा हूं कि जो लॉकडाउन में जो दुकानें बैठ गई थी, व्यवसाय जो था वो क्या था लोगों का, अरे तीस त्योहारों में थोड़ा सा व्यवसाय बढ़ाए, तो मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि कल परसों से जो त्यौहार का सीजन है वो उसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी दुकानदारी चल रही है या अन्य दुकानदारी चल रही है, तो क्या महसूस कर रहे हैं? लॉकडाउन में तो पूरा प्रभाव पड़ा ही है, लेकिन सीजन को देखते हुए 30-35% थोड़ा स्थिति सुधार हुआ है, मतलब उस परसेंट लगभग सुधार हुआ है व्यवसाय में। तो क्या कल परसों भी जो त्यौहार हैं, मैं यहाँ पे 12 दिन तक दीपावली का त्यौहार रहता है, तो क्या आपको उम्मीद है कि आगे भी जो आपका व्यवसाय है वो निरंतर बढ़ने की उम्मीद है आपको क्या? हाँ, उम्मीद तो है कि बढ़ना चाहिए स्थिति को देखते हुए, आगे तो क्या होता है पता नहीं। व्यापारी बंधु से जानना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन के बाद जो आज ये 30 त्योहारों का जो सीजन आया है, और लॉकडाउन में जो दुकानदारी जो बैठ गई थी ठप हो गई थी, और आज आप जो आपने जो धनतेरस और दीपावली का जो दुकान सजाई है, क्या ग्राहक जो किस ढंग के ग्राहक आ रहे हैं, कितनी मात्रा में ग्राहक आ रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि जो लॉकडाउन का नुकसान है इस 30 त्योहारों के आने से कुछ भरपाई हुई होगी, और आपकी दुकानदारी और जो 30 त्योहार की खरीदारी है कैसे चल रही है? इस बार लॉकडाउन होने से दुकानदारी काफ़ी कम चल रही है, लेकिन अभी एक दो दिन से दुकानदारी अच्छी रफ्तार है, अभी देखते हैं क्या क्या होता है, अभी मार्केट में है चहल पहल, एक दो दिन से काफ़ी है, अभी दो दिन और बाकी है, देखते हैं कितना माल बिकता है, हम लोग काफ़ी सामान आ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि सारा माल बिकेगा इस बार, अभी सब ऑटो लगे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, देखते हैं कितना बिकता है, क्या रहता है। इस बार माहौल तो थोड़ा कम ही लग रहा है, पिछले साल की अपेक्षा इस बार काफ़ी कम लग रहा है लोगों में रुझान, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा कम है, और सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, और अभी पैसा लोगों के पास काफ़ी कम है, इसलिए लोग खरीदारी सीमित रूप से कर रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो लॉकडाउन के कारण लोगों को बेरोजगारी छा गई थी, तमाम युवा जो शहरों से थे वो घर आ गए थे और बेरोजगार हो गए थे, और उसका असर भी जो 30 त्योहारों की खरीदारी है उसमें भी देखने को दिखाई दे रहा है, व्यापारियों का ये भी कहना है, लेकिन व्यापारियों की ये भी उम्मीद है कि एक दो दिन जो ये त्यौहार दीपावली का चलने वाला है उसमें ग्राहक आएंगे और जमकर कम पैसे होने के बावजूद भी जमकर खरीदारी करेंगे, और व्यापारियों का कुछ मुनाफा होगा, जो घाटे से हैं वो घाटे से उभरेंगे।